देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का 2022 का ये विशेष कार्यक्रम दिल्ली के इस लुटियंस रोड में आज आयोजित हो रहा है। बीच में कोरोना काल की वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम सब एक छत के नीचे इस तरह एकत्र नहीं हो पाए, लेकिन कुछ व्यवधानों के बाद ही सही जिंदगी ने फिर रफ्तार पकड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आने वाले वर्षों में भी हम एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे और पत्रकारिता का झंडा बुलंद करने वाले कुछ चेहरों को, विशेष काम करने वाले लोगों को सम्मानित करते रहेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को हम औपचारिक रूप से आरंभ करें उससे पहले मैं आज के कार्यक्रम के मंचासीन अतिथि से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कृपया दीप प्रज्वलन के जरिए इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। हमारे बीच में संस्कृत भारती के कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो दीप ज्योति मंच मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम को अपना साथ दें। जलकर दूसरों को रोशन करने की प्रेरणा देता है और मुझे लगता है कि हमारे बीच जो पत्रकार बंधु आज सम्मानित होने आए हैं वो भी अपने जीवन को कहीं ना कहीं होम कर कर विकट परिस्थितियों में जूझते हुए, सत्ता से जूझते हुए, अपने ऊपर जो अधिकारी हैं उनकी जो विचारधाराएं हैं उनसे जूझते हुए सच को सामने लाते हैं, दुनिया को सच के प्रकाश से आलोकित करते हैं। मुझे लगता है कि इस दीप के साथ साथ इस दीप सदी के उन पत्रकारों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए। अब इस कार्यक्रम में जो मंचासीन अतिथि हैं, मैं जानता हूं कि सचमुच सूर्य को दीप दिखाने के बराबर है उनको इस तरह से औपचारिक रूप से उनका परिचय देना। आप सभी उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी भली भांति परिचित है क्योंकि, लेकिन मंच की एक औपचारिकता है उसका मैं निर्वहन जरूर करना चाहूँगा। हमारे बीच में डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान जी हैं,
वैसे आप बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आपका जन्म जो है वो 23 जून 1972 को मुजफ्फरनगर जनपद के कुटबी ग्राम में हुआ। आपने हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद आपने पशु चिकित्सा सर्जन सहायक प्रोफेसर के रूप में राज्य में अपनी सेवाएं भी दी हैं। उसके बाद आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा और क्षेत्र की जनता का अभूतपूर्व समर्थन और स्नेह आपको मिला है। आप वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीतकर मुजफ्फरनगर जैसी ऐतिहासिक लोकसभा सीट जो है जहाँ से बड़े दिग्गज भारतीय राजनीति के चुनकर आए हैं और आप भी अब उन्हीं दिग्गजों में शामिल हो चुके हैं। आपने 2014 में केंद्र में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद जुलाई 2016 में आपको केंद्र सरकार में जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया। दोबारा वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपने दोबारा इतिहास रचा सांसद के तौर पर निर्वाचित होकर और दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए आप मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग में राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। आपकी पहचान एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक जनसाधारण और जमीन से जुड़े हुए सरल हृदय एवं मधुभाषी व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है। आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल पर्सन विद अस, ही इज आनंद नरसिम्हन। लेट मी इंट्रोड्यूस योर स्टीम personality to our esteemed guest. Anand Nasimhan is a managing editor, special projects and senior anchor, CNN News 80, News 80 Network, born in Kerala, brought up in Delhi, Udaipur, Jamshedpur, Mumbai, Bengaluru. So, I would like to say that Anand Nasimhan is blessed to have had an opportunity of seeing multiple facets of Bharat, its rich diversity, culture and tradition. A BCom from Poddar College, Mumbai. He also has a diploma in mass communication from St. Xavier College, Mumbai, and an MBA from SIES College, Nehrul, with dual specialization in marketing and finance. He started his career in sales with Tata Press, Yellow Pages, moved into advertising with Grey Worldwide, post MBA, and then made an entry into broadcast media in 2005 with ESPN Star Sports after winning a dream job. A reality show looking for the next sports presenter commentator. After exciting stint with ESPN Star and with 10 Sports, Anand entered the world of television news broadcast with Times Now in 2009 and has since then evolved as one of the more prominent face in prime time. Anand has been with Network 18 since August 2018, along on News 18 India at one, along with daily shows like Nation at 5, The Right Stand on CNN News 18, Anand also anchors Akhada on News 18 India at 1 PM. Anand is also the face of flagship campaigns Mission Pani and Sanjeevani, while he editorially spearhead Young Genius, the channel's award-winning intellectual property that celebrates the future genius of Bharat. His shows and his work have been recognized and awarded both nationally and internationally. Anand calls himself a Bharatwadi and believes that Bharat ka time aa gaya hai. An ardent student of Bhagavad Gita, Karmanye Vadhikaraste Ma Phaleshu Kadachana guides his actions. Anand ji, we welcome. Thank you. Aur mere jaise lakhon karyakartaon ke prerak punj adarniye सुनील आंबेकर जी हमारे साथ हैं। मैं सुनील जी का परिचय आप सब से है फिर भी कराना चाहूँगा दोबारा। आपके पास वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व है। आप भाग्यनगर हैदराबाद के आपका केंद्र है फिलहाल, और पूर्व में आपके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्व रहे हैं, जिसमें वर्ष 2003 से वर्ष 2019 तक अखिल भारतीय संगठन मंत्री का आपका दायित्व रहा है। इसके बाद आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन किया। आपका जन्म
महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। आपने नागपुर में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है, आप विज्ञान स्नातकोत्तर हैं, आपने जीव विज्ञान में MSc की शिक्षा प्राप्त की है। आप नागपुर में बाल्यकाल में ही स्वयंसेवक बने, आप 1990 में अखिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निकले, आपने अनेक पुस्तकों का लेखन किया है और हम में से सभी लोग ये जानते हैं, बहुत लोगों ने ये पढ़ा भी है कि सुनील अम्बेडकर जी ने विशेष पुस्तकें लिखी हैं जिसमें RSS रोड मैप 21st सेंचुरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र ये पुस्तक शामिल है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय सुनील अम्बेडकर जी, अखिल भारतीय प्रचार मोर्चा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हम सभी जोरदार तालियों के साथ बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इसके लिए भी। हमारे बीच में अशोक सचदेवा जी हैं, आप पिछले 12 वर्ष से इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद के इंद्रन्यास के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जिसके अंदर 5000 मंदिरों का संचालन होता है, आप उसके उपाध्यक्ष हैं। पंजाब सिंध न्यास क्षेत्र जो कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, उत्तरकाशी, ऋषिकेश एवं हरिद्वार में आश्रम का संचालन करता है, आप उसके स्टेट ऑफिसर हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से करोलबाग जिले के माननीय जिला संचालक हैं। आपका अशोका इलेक्ट्रिकल लिस्टेड कंपनी है और उसके नाम से ही आप इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने का व्यवसाय करते हैं, आप इसके चेयरमैन हैं और आपका निवास एवं कार्यालय झंडेवाला एक्सटेंशन में है। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और अब बिना वक्त गवाए मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि टीवी नेटवर्क 18 के प्रबंध संपादक आनंद नरसिम्हन जी को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज कुछ आंखों में गड़बड़ हो रही है, लग रहा है चश्मा घर रह गया। आनंद जी, माय अपॉलजीज टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संजीव बालन जी का स्वागत करने के लिए न्यास के अध्यक्ष श्री अशोक सचदेवा जी को अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री आनंद नरसिम्हन जी का स्वागत करने के लिए न्यास के सदस्य श्री पारिजात कौल और श्री विनोद गोयल जी का आमंत्रण करता हूँ। पारिजात जी, विनोद जी, आप आइए। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, फोटो पॉजिटिव आगे आगे। बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सुनील अम्बेडकर जी का औपचारिक स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं न्यास की सदस्य श्रीमती आभा खन्ना जी को आमंत्रित करता हूँ।
हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में अखिल भारतीय स्वयंसेवक संघ के कुछ अखिल भारतीय पदाधिकारी भी हैं, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे बीच में आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी हैं, आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय अनिल जी हैं, आप क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं उत्तर क्षेत्र। दिल्ली की प्रचार टोली के प्रमुख माननीय रितेश जी, प्रांत प्रचार प्रमुख, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुमित मनुजा जी भी हमारे बीच में हैं, आप सह प्रचार प्रमुख हैं दिल्ली प्रांत अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और अब बिना वक्त गवाए मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री आनंद नरसिम्हन साहब, जो कि प्रबंध संपादक है नेटवर्क 18, उनको मंच पर दावत देता हूँ। आप सबको नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमोस्तुते। तो ये जो दीप जिस तरह से प्रज्वलित हुआ है, शत्रु बुद्धि का विनाश और सबके लिए आरोग्य धन संपदा, इसकी कामना करता है। पर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि इतने बड़े ज्ञानी गुणी लोग, वरिष्ठ लोगों के सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ। शायद आपके मन में होगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे मन में भी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे तो वहाँ पीछे होना चाहिए था, आप सबको सुनना चाहिए था, आप सबसे सीखने की आवश्यकता है। सुनील अम्बेडकर जी, आपकी किताब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो और इस किताब ने बहुत सारी चीज़ें संघ के बारे में लोगों को बताई हैं, और मैंने भी कई लोगों को कहा है कि संघ को समझने के लिए इस किताब को अवश्य पढ़िए। तो आपका अभिनंदन, नमस्ते। एंड अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ मुझे एक अवसर देने के लिए मैं आपका और आपकी संस्था का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। संजीव बालियान जी, आपको भी नमस्ते। देवऋषि नारद की बात करें तो वो सही मायने में जर्नलिस्ट इन द ट्रू सेंस थे। अब मैं आपको एक किस्सा मैं बताता हूँ जो मुझे किसी ने कुछ दिन पहले बताया कि कृष्ण द्वैपायन व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास, जिनको हम इस बात का क्रेडिट देते हैं कि कलयुग शुरू होने से पहले उन्होंने सारे वेद लिख डाले, सब कुछ लिख कर हमारे लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये कहा जाता था कि कलयुग में लोगों की समझ धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो सतयुग हुआ, उसके बाद त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, और फिर कलयुग हुआ, और व्यास जी ने सब लिख दिया। अब वेद व्यास जी ने लिख तो दिया सब कुछ, पर उनके मन में ऐसा था कि सब कुछ तो मैंने लिख दिया, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच गया है, कुछ तो रह गया है, कुछ खाली है, कुछ छूट गया है लग रहा है। अब वही इसी विडंबना, इसी सोच में थे, एंड उस वक्त देवऋषि नारद उनके पास पहुंचे, और नारद उनके गुरु थे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि देखिए, मैंने तो सब कुछ लिख दिया, कर्मकांड की बातें लिखती, सब कुछ, सारे वेदों को मैंने उसको लिख दिया जो बोल के हम लोग कहते थे, और सब मैंने लिख दिया, कलयुग की तैयारी हो गई, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। तो नारद जी ने उनको कहा, ये तुमने क्या किया व्यास, ये तुमने क्या किया? तो बोले, ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले, आपने कर्म कांड तो सब लिख दिया, अब कलयुग में लोग इसका अनुपालन करेंगे, इसकी गारंटी आपके पास कहाँ है? से नहीं, मैंने तो सारी रीतियां लिखी हैं, और उसके साथ मैंने प्रावधान लिखे हैं कि अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको क्या पनिशमेंट होगी, आपको क्या करना होगा। सिर यही तो लोग छोड़ देंगे, वो सारे राइट्स और रिचुअल्स को फॉलो तो करेंगे, लेकिन इसी चक्कर में फंस जाएंगे। आपको तो वो ज्ञान लिखने की जरूरत है जो कि इन सब से आगे है, और वो तो आपने लिखा नहीं, नारायण के बारे में आपने लिखा नहीं। तो व्यास जी बोले, अच्छा आप सोचिए। और उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने महाकाव्य जो है महाभारत के साथ साथ भगवद गीता को भी लिखा, और उसके साथ भागवतम, श्रीमद् भागवतम को लिखा, जिसको कि वेदांता कहते हैं। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांता एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड आफ्टर नारद जी टोल्ड वेद व्यास कि भाई, तुमने तुम्हारा काम पूरा नहीं किया, ठीक नहीं किया, ये सही है, इसको करो। और उसी के बाद उन्होंने फिर उसको लिखा, और ये बात श्रीमद् भागवतम ने खुद वेद व्यास जी ने लिखी है, उन्होंने ही कहा है कि नारद जी ने मुझे एडवाइस दिया। तो ये
जिनको कि हम देखते हैं कि हर जगह जाके कलेश करते हैं, नारायण नारायण के नाम पर इधर उधर गिधर का उधर करते हैं। देवऋषि नारद जी की भूमिका बहुत बड़ी है। आज हम यहाँ इस मंच पर हैं, पर आप खुद देख के बताइए कि आप में से कितनों ने नारद संहिता पढ़ी है। हम में से कितनों ने हमारे ही जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश की, चाहे कोई भी भाषा हो, संस्कृत में पढ़ी हो, उसका अनुवाद पढ़ा हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में पढ़ा हो, मराठी गुजराती बंगाली जो हमारी भाषा है मातृभाषा है उसमें पढ़ा हो, क्योंकि सबका तो अनुवाद है। मैंने कहा, जैसे उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं भगवद गीता का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है मैंने उस किताब को उठाया है, उसके एक चैप्टर या किसी भी चैप्टर को पढ़ा है। योग शास्त्र है, भगवद गीता को उसके बारे में ही लिखा है कि ये योग शास्त्र है, यानी कि हाउ डज इट योग यू एज ए ह्यूमन बीइंग। इस मैसेज को भी हमने दुनिया को नहीं बताया, तो क्या हमने रियली ये मैसेज तो हम खुद भारतवासियों के सामने नहीं ले जा पाए, तो फिर क्या एज जर्नलिस्ट हमने अपना काम किया है? दुनिया को छोड़िए, अपने देश में नहीं किया है तो हमने क्या अपना काम किया है? मेरी भूमिका क्या है एज ए जर्नलिस्ट? आप सब तो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, कुछ मेरे साथ हैं, मेरे सहभागी हैं, कुछ मेरे साथ शोज में आते हैं। आप सबके ज्ञान का कुंज अलग अलग है, बट आप सब इस बात को जरा सोचिए कि हमने हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के बारे में हमने क्या लिखा है और क्या कहा है। ये अभी एक आज बोलचाल में आ रहा है कि हमारा इतिहास क्या है, इंडिया और इन्वेडर्स आक्रांताओं का इतिहास हमारा इतिहास है कि भारत का इतिहास हमारा इतिहास है। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द आईज ऑफ द विक्टर कहा जाता है, लेकिन मेरा इतिहास तो उन समस्त विजयों को नहीं बताता जो हमने जीती हैं, भारत में जीती हैं। तो ये भूमिका हम कहां निभा रहे थे, ये चीजें हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई थी? अब क्या हो गया कि एक तरीके से हमें पढ़ाया गया कि आपको यही करना चाहिए, दिस इज द राइट वे टू डू इट, पर आप कोई घूम के कह रहा है कि नहीं जी, देयर इज अनदर वे टू डू इट एंड दिस परहैप्स इज द राइट वे टू डू इट। तभी ब्रांड कर दिया जाता है कि ये राइट विंगर है, संघी है, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। हम तो कहते हैं सप्रेम, हाँ जो संघ भारत की बात कहे तो चलिए, आई एम हैप्पी। जैसे राहुल रोशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने किताब लिखी है संघी यू नेवर वेंट टू अ शाखा। तो बहुत लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नहीं, लेकिन उनकी भी सोच है। अब ये कहते हैं कि मैं मेरे देश के बारे में क्या जानता हूँ? हम सब सोशल मीडिया पर हैं। आप मुझे बताइए, आपके घर में आपने, आपके बच्चों ने, आपके परिवारजनों में से कितने लोग हैं जो कहते हैं आज मैंने भारत के बारे में एक ट्वीट किया है, या मैंने भारत के बारे में एक इंस्टा पोस्ट किया है, या आज मेरे इसमें मैंने तिरंगे को दिखाया, तिरंगे का एक पहलू दिखाया, उसके बारे में बात की। हमारा देश 1.3 बिलियन पीपल है, मान लीजिए इसमें से 50 करोड़ लोग भी महीने में एक बार भारत के बारे में कुछ भी पोस्ट कर दें सोशल मीडिया पे, तो आप देखिए कि दो महीने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कितने भारत की बात होगी। हमारी सोच ही नहीं है इसके बारे में। आज ये है कि मेरा आर्टिकल या मेरा ट्वीट ट्रेंड करेगा कि नहीं, मेरे आर्टिकल को कितने लोग लाइक करेंगे, तो मैं ऐसा क्या लिखूं कि लोग लाइक करें? ऐसा मत लिखिए ना, आप वो लिखिए जिसके जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद लोग भारत को थोड़ा ज्यादा समझें, थोड़ा जाने, एक अलग पहलू देखें भारत का। तो ये मेरा आग्रह है। हम में से कई लोग हैं जिन्होंने, और मैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वक्त भी अपनी लाइन नहीं छोड़ी, अपने आदर्श नहीं छोड़े, अपने आइडियल्स नहीं छोड़े, अपना भारतवाद या राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा जब समय उनके बहुत प्रतिकूल था। उनको एक कॉर्नर पे, एक ब्यूरो में, एक डेस्क पे बिठा के रख दिया जाता था और कहा जाता था भाई तुम्हारा एक लेख लिखो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिखाना है मेरे ब्रॉडशीट में या मेरे चैनल पे कि मैं कहीं ना कहीं तो बैलेंस्ड हूँ, कि एक अल्टरनेटिव व्यू जो कि लार्जली रिजेक्टेड है उसको मैं दिखा सकता हूँ। कभी प्रमोशन नहीं मिला लेकिन इंक्रीमेंट साल का मिलता था और 15 साल वहां बिताया। मैं उन सब का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऐसे वक्त में आपने अपनी बात कही है और ऐसे वक्त पे आप अटक रहे हैं जब सब लोग अपनी बात बदल लेते थे।
अब तो आज भारत करवट बदल रहा है तो बहुत लोग कह रहे हैं अपनी बात, थोड़ा खुल के आ रहे हैं, पर जिन्होंने तब से कही है ना उन सबको मेरा नमन है, उन सबको मेरा नमन है। और मैं यही चाहता हूं कि इसी बात को आप सिंपली कहें, ये सवाल पूछें कि आपने भारत के बारे में आप क्या जानते हैं। टेल मी फाइव थिंग्स यू नो अबाउट माई कंट्री, टेल मी फाइव थिंग्स यू नो अबाउट योर कंट्री। एंड इफ थ्रू माई शोज, थ्रू योर वर्क, हमारा जो आर्ट जो भी हम कर रहे हैं उससे लोग थोड़ा और भारत को समझ लें, यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जो है उसको जरा समझ लें, उसको जरा जान लें, और वो ज्ञान चक्षु जरा खुल जाए तो फिर हमारा काम सिद्ध होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं इसी छोटी सी दरख्वास्त के साथ विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। आनंद जी, गागर में सागर भरता हुआ आपका व्यक्तित्व, शब्द भले ही कम हो लेकिन इनके जो धार है वो बहुत ही गजब की है, पहनी है, और हम आपको बधाई देते हैं कि आपने इतने कम शब्दों में भारत की बात जन जन तक पहुंचे, ये विचार हम सबके दिल में रोंबा है। अब इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार बालियान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आपका जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद हमारे आज के मुख्य वक्ता सुनील अम्बेडकर जी, और मैं वो संगठन मंत्री रहे हैं और मैंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद रहा हूँ। चूंकि मेरा छात्र जीवन इतना लंबा रहा है कि शायद इस देश में बहुत कम लोगों का रहा। मैं 15 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा लगातार, सन 1989 में मेरी प्लस टू हुई और मैंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एडमिशन लिया, और 2004 में मेरी पीएचडी हुई। तो मैं विद्यार्थी परिषद की वजह से 4-5 साल एक्स्ट्रा लगाए छात्र राजनीति की वजह से, तो मैं भाई साहब का छात्र रहा, उसी संगठन में मैंने काम किया। आनंद जी आपकी बात सुनकर तो वाकई आनंद आ गया। आप केरल में पैदा हुए, बम्बई पढ़े, इतनी अच्छी हिंदी, इतनी अच्छी संस्कृत, मेरे से तो आज तक भी नहीं बोलेगी। मैं जब हिंदी भाषी उसमें पैदा हुआ फिर भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते। आदरणीय अशोक जी, उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, देखिए पुरानी कहावत है जब ज्यादा विद्वान लोग बैठे हो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और आज मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि जब ही सभी इंटेलिजेंट और विद्वान लोग यहाँ तो मैं ज्यादा देर तो बोलूंगा नहीं। लेकिन और सच पूछो तो आपने ठीक कहा, हम बहुत सी बातें पढ़ते नहीं। मुझे भी देखिए, जब इस कार्यक्रम का मुझे नोता पहुंचा तो पहली बार मुझे पता लगा कि नारद जी पहले पत्रकार थे, मुझे उससे पहले बिल्कुल नहीं पता था। मैंने सीखा इस कार्यक्रम की वजह से, मुझे पता लग गया कि वह इतिहास के पहले पत्रकार नारद मुनि थे। चूंकि नारद जी की तो अलग ही छवि थी सबकी नजरों में, लेकिन मुझे आके पता लगा, बीच में उनके बारे में पढ़ा मैंने थोड़ी देर आने से पहले, तो वाकई पता लगा कि पहले पत्रकार थे, कितनी अच्छी पत्रकारिता उन्होंने उस जमाने में की जब सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं था। और मैं तो आज भी उसी दौर में अटका हुआ हूँ जब अखबार होते थे, अखबार थे, अखबार के बाद टीवी चैनल आए, और टीवी चैनल के बाद अब सोशल मीडिया आ गई। लेकिन मैं अखबार के ज़माने का व्यक्ति हूँ, मैं आज भी सुबह आँख खुलते ही अगर अखबार ना मिले तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे मैं कहीं हूँ सुबह मुझे अखबार जरूर चाहिए। और पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है कि मैं जब सुबह करीब 40 से 45 मिनट, मेरे यहाँ के 3 अखबार महत्वपूर्ण है, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश कवर करते हैं, तो मैं सुबह उठते तीनों अखबार पढ़ना, और मैं कई बार उन्हें कहता हूँ तीनों अखबार पढ़ के कम से कम 1 घंटा फिर उस पर कार्रवाई करता हूँ। जो खबर छपगी उस खबर के उसमें चाहे मुझे डीएम से बात करनी हो, चाहे मुझे जिले के कप्तान से बात करनी हो, या किसी गाँव में मौत हुई तो मुझे उसके परिवार से बात करते, मतलब पूरे 2 घंटे सुबह के मुझे उसी पर ही देने होते हैं। और मैं कई बार इतनी बड़ी चटपटी खबर छपती है और मैं उस खबर पर बहुत सीरियस हो जाता हूँ, और मैं बहुत गुस्से में आके कहीं फ़ोन करूँगा किसी को कुछ कहूँगा, फिर मुझे पता लगेगा कि भाई नहीं, ये तो बात इस तरह थी नहीं, इसे तो चटपटी बनाया गया, इसे तो अलग तरह से लिखा गया। तो पत्रकारिता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर जनमानस को प्रभावित करती है। आपकी खबरों के माध्यम से, चाहे मैं अभी आपने एक उदाहरण दिया अभी इतिहास का, अभी मैं जस्ट
वाराणसी वाराणसी का जो मामला चल रहा है ज्ञानवापी का आजकल, तो मैं पिछले हफ्ते था वहाँ पे, तो थोड़ा सा इमोशनल मैं भी हुआ। सारे ये चल रहा था जो मामला ऐसे देखा गया, ये निकला है खोज में शिवलिंग और ये इस तरह की बात। लेकिन असली इमोशनल मैं कब हुआ कि जब किसी पत्रकार ने, मुझे नहीं पता वो कौन पत्रकार महोदय थे, उन्होंने कहा कि नंदी कई सौ वर्षों से अपने शिव की प्रतीक्षा में थे। वाकई ये सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए, उससे पहले मैं इतना इमोशनल था। तो पत्रकारिता इतनी महत्वपूर्ण है कि देश में भी किसी को भी इमोशनल कर सकती है, बशर्ते कि वे पॉजिटिव डायरेक्शन में होने की नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों तरफ से दुधारी तलवार है जी, इधर भी काटते हैं और इधर भी काटते हैं, दोनों तरफ से काटते हैं। और सोशल मीडिया का तो भरोसा ही रहा, पता नहीं ये क्या है, लोग नहीं समझते। सुन जी, मैं गांव में ज्यादातर मेरा भी गांव के लोगों से संपर्क रहता है, रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और शायद मैं पहली बार दिल्ली में किसी कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अपने 8 साल में दिल्ली में किसी कार्यक्रम में आज तक नहीं गया। मेरे लिए दिल्ली इतनी है कि मैं बॉर्डर से घुसता हूँ, 1500 करोड़ घर है, ये 500 मीटर दूर मेरा मंत्रालय है या 500 मीटर दूर मेरा पार्लियामेंट है, उससे लगा दिल्ली का मुझे कुछ नहीं पता। मैं आज शायद पहली बार ही किसी कार्यक्रम में आया। तो जो गांव के लोग हैं उन्हें कितनी प्रभावित करती है मीडिया, हमें नहीं करती जो यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, आपको भी नहीं पता। गांव का हर व्यक्ति, आप जो भी कहेंगे जो भी लिखेंगे वो कहेगा टीम आ गई, अखबार में छप गया, उसके लिए वो ब्रह्मवाक्य है। शायद इसी सोच पर अगर हम काम करें कि दूर रिमोट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपकी बातों से कितना प्रभावित हो सकता है। हम यहाँ बैठ के नहीं अंदाजा लगाते, हम सब लोग आपस में मिलते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी की कोई बात करते हैं, किसी की कोई बात करते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि पत्रकारिता दोनों तरफ से है, तो हो सकता है जैसे आनंद जी ने कहा कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सभी विचारधाराओं का सम्मान है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा पर काम करने के लिए। लेकिन किसी भी विचारधारा में रहते हुए हम किस हद तक जा रहे हैं, निष्पक्ष तो पत्रकारिता में होना बहुत जरूरी है, ना हमारे पक्ष में रहो ना विरोध में रहो, जो तथ्य है उसको उसी तरह से रखो और उसका विश्लेषण बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करें, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब ही रहेगा, वरना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो बताया ना कि सोशल मीडिया से इतना दुखी हूँ, हे ईश्वर किसने ट्विटर बनाकर किसने फेसबुक बनाई थी, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर कोई व्यक्ति कमेंट पढ़ने शुरू कर दे तो बस हार्ट पेशेंट हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में, 15-20 दिन में ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, 1 महीने में भगवान के पास चला जाएगा। ऐसी मीडिया बना दी दुनिया ने, और पता नहीं लोग अब तो अखबार पढ़ना भी छोड़ गए, इसे ही पढ़ते हैं। जहां 99.99% झूठ चलता हो उसे ही हम सब पढ़ रहा, पूरा देश पढ़ रहा है। और मुझे कई बार लगता है, आनंद जी ने बात की कि लोग कहते हैं कि भाई मैंने ट्वीट किया ट्रेंड करा, मैं कई दिन से नहीं समझ पा रहा इस ट्रेंड करने से किसी के फर्क क्या पड़ रहा है। अरे हो रहा हूं तो ट्रेंड भाई, पता नहीं लोग पागल से हो रहे, ट्रेंड कर दिया, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा मेरे फोन में ट्रेंड हो कहां से, क्या है ट्रेंड भाई, चला रहे दुनिया चल रही, एक अपनी दुनिया सी बना ली अलग, उसी में गोले चला रहे हैं, उसी में तोप के गोले चला रहे हैं, उसी में फेंक रहे हैं, उसी में देश बदल रहे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, क्या कौन है लोग, क्या है लोग, समझ में नहीं आता मेरे तो। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ कई बार, ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ लेकिन मैं वाकई दुखी हूँ। पहले ही पत्रकारिता अच्छे थे, अखबार आते थे बढ़िया थे, फिर टीवी आए, टीवी में खबर सुनते थे अच्छे लगती थी, अब तो टीवी वाले भी ऐसी खबर सुनावे कि देख कटर लगे, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, अरे भाई एक खबर को 10 बार कहेंगे, बैठी हुई 10 बार क्यों कहती हो आप, एक खबर एक बार के मैं कहो हम समझ लेंगे, एक खबर को मतलब मेरा मन कर रहा होगा मैं इस खबर को सुनूं और 10 मिनट लगा देंगे वो खबर नहीं बताओगे, गोल 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 भाई, ये तो पत्रकारिता नहीं है। देखो दोस्तों पत्रकारिता सीधी बात बोलता ना, विश्लेषण करो, ज्यादा लंबी हो जाएगी, भाई साहब कहेंगे कैसी बातें छेड़ दी। मेरी तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्हें अवार्ड मिला है आज, इनमें से मैंने पहले देखा, पहले मेरे कुछ मित्र हैं और आज भी मेरे कुछ मित्र बैठे, भाई साहब मैं दिल्ली में उन लोगों में से हूँ जो एंकर होते हैं, यहाँ कई लोग बैठे एंकर ही बोलते हैं उनको, जो बैठ लेते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, एंकर नहीं, एंकर तो वो वाला होगा बड़े वाला रिपोर्टर, मेरी रिपोर्टरों से बहुत दोस्ती है, ये बैठे हैं सारे के सारे
मैंने कभी आप लोगों, चूंकि आप बड़े हो गए इसलिए मुझे आपकी कम मुलाकात है, जो वहाँ बैठते हैं उनसे मैं बात नहीं करता ज़्यादा, मुझे लगता है ये तो बड़ा आदमी है, मेरी इनसे मैं इनके रोज साथ रोज चाय पीता हूँ, देख पीछे बैठा रहने वाला, मैं इनके साथ चाय पीता हूँ, मेरी पहुँच यहीं तक है, शायद मैं देश का पहले केंद्रीय मंत्री हूँ जिसकी पहुँच बेचारे रिपोर्टर तक है, आप तक बिल्कुल नहीं है, तो मेरे लिए तो यही पत्रकार है, यही भगवान है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप तो यूं ही कह रहे हैं, आपने बोलना ना हो, आपके सामने तो अच्छे अच्छों की जो हिम्मत है उसने कोको ले जाए। जो पत्रकारिता है वो स्वरूप उसका बहुत बदल रहा है, जमाने के साथ काफ़ी तब्दीलियां हमने देखी हैं, उसमें बदलाव देख रहे हैं, तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है पत्रकारिता का स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन सही मायनों में अब भी देश की बात करना, देश के उन तबकों की बात करना जिनकी बातें कोई नहीं करता, वो सब आज भी पत्रकारिता करने वालों के प्रथम चिंतन में है और रहना चाहिए और रहेगा। ऐसे तमाम लोगों के कामों को वर्ष भर जो उन्होंने विशेष काम किए उनको खंगालना, उनकी प्रविष्टियों को निमंत्रित करना, उनमें से ढूंढना, ये काम बहुत मुश्किल है कि वाकई कौन हकदार है देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान पाने के लिए, लेकिन मुश्किल काम भी किए जाते हैं और उनको करने वालों को विशेष सलाम भी बनता है। इसलिए आज के जो देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह है उसमें मैं इस कार्यक्रम की एक बड़ी बुनियाद जो इसकी ज्यूरी है उसका परिचय आप सभी से कराना चाहता हूँ। ज्यूरी के कुछ विशिष्ट सदस्य हमारे बीच में इस वक्त मौजूद भी हैं। हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी इस ज्यूरी के मेंबर हैं, अगर आप हैं शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ जी। दूसरे ज्यूरी मेंबर हैं हम सभी के चिरपरिचित श्री के जी सुरेश जी, के जी सुरेश जी कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। ज्यूरी की तीसरी सदस्य हैं प्रोफेसर वंदना पांडे जी, आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में से संबंधित हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी इस ज्यूरी की चौथी मेंबर हैं। ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर जी इस ज्यूरी के सम्मानित सदस्य हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी इस ज्यूरी के सदस्य हैं। प्रोफेसर रविंद्रनाथ मनुकोंडा जी आप जेएनयू से संबंधित हैं, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। और अगले सदस्य डॉक्टर संजय द्विवेदी जी जो कि निदेशक हैं भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से, वो भी हमारे बीच अभी मौजूद नहीं हैं। आप सभी का स्वागत। मैं ज्यूरी के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मंच के सामने की ओर एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आप आ जाएं। एक एक करके हम फोटो अपॉर्चुनिटी अभी कर सकते हैं वन बाय वन। इस सामूहिक फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा केजी जी आप सर्वप्रथम आप अपना सम्मान ग्रहण करें।
मैं सुनील जी से आग्रह करता हूँ, सुनील जी आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। प्रोफेसर वंदना पांडे जी, सर्जना शर्मा जी, प्रफुल्ल केतकर जी, प्रोफेसर रविंद्रनाथ मनकोंडा जी, प्रोफेसर रविंद्रनाथ मनकोंडा जी, सभी सम्मानित जूरी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी तो बस वही जो छाप अपनी छोड़ दे, जिंदगी तो बस वही जो छाप अपनी छोड़ दे, अन्यथा तो रोज ही होता है यहाँ आवागमन। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिलों में रह जाते हैं। इस वक्त जो हम सब एक छत के नीचे हैं, आज से तकरीबन 2 साल बीच में जो गैप हुआ है, एक वक्त ऐसा आया था कि शायद ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस वक्त की बेरुखी ने हमसे कई ऐसे लोग छीन लिए जिनकी रिक्तता हमारे साथ रह गई है। खालीपन ऐसा है जिन्हें कोई भी भर नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत पत्रकारिता में, खासकर टेलीविजन की पत्रकारिता में, जिनका काम, जिनका नाम बरसों तलक याद किया जाएगा, ऐसे रोहित सदाना को भी हमने खो दिया। कोविड के दौरान दिवंगत हुए कई पत्रकारों के साथ साथ हम रोहित सदाना साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हम सबके प्रिय रोहित सदाना अपने पीछे 2 भूत सी प्यारी बच्चियों को छोड़कर गए हैं, और हमारी भाभी प्रमिला आज हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं, और विशेष सम्मान हमारे दिवंगत भाई रोहित सदाना के लिए हमारी ओर से। आज रोहित फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसी तमाम बातें उनके बारे में जो कहते कहते पूरा दिन बीत सकता है, पर इतना ही कहना चाहते हैं रोहित आपके लिए कि आपकी तारीफ़ के आज भी हमें अंदाज़ नहीं मिलते, आपकी तारीफ़ के आज भी हमें अंदाज़ नहीं मिलते। कहना तो बहुत कुछ है मगर अल्फाज नहीं मिलते। बस हम सब आपके फ़ैन थे, हैं और रहेंगे, और आज भी जब टेलीविज़न ऑन करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा ढूंढ की कोशिश आके करती हैं तो वो रोहित हैं, थे और रहेंगे।
मैं अब छोटी सी भूमिका आज के इस कार्यक्रम की, हमारे बीच में कुछ और विशेष व्यक्तित्व मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बीच में भारतभूषण जी हैं, प्रांत कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आपका बहुत अभिनंदन भाई साहब। हमारे बीच में दूरदर्शन के डीजी मयंक अग्रवाल साहब हैं, आपका बहुत स्वागत। हमारे बीच में दूरदर्शन की ADG प्रिया कुमार जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पत्रकारिता का मतलब है समाज के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज़ बनकर उनके हकों के लिए सरकारों तक से लड़ जाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकारों की गलत नीतियों को जनता के सामने लाना और सच क्या है ये जनता को बताना। वास्तविकता में देखा जाए तो ये पत्रकारिता ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सत्ता को हिला कर रख सकती है, लेकिन अगर यही पत्रकारिता जिम्मेदारियों के साथ नहीं की जाए, जैसा कि डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे, तो जनता और समाज और सरकार के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम जिन पत्रकार साथियों के सम्मान के लिए यहाँ एकत्रित हैं, वो सही मायनों वाली पत्रकारिता कर रहे हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए हितकारी है, जो असमर्थों को समर्थ बनाती है और उनके लिए कलम और उनका कैमरा दोनों बदलाव के हथियार हैं। तो ऐसे तमाम लोगों में आज की ज्यूरी ने, जिस ज्यूरी का मैंने हमने परिचय आपसे कराया, उसने बहुत सारे लोगों की प्रविष्टियों के बीच में से कुछ खास नामों को चुना है। मैं एक एक कर उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन वो आप सोच रहे होंगे कि कुछ स्किप हुआ है। नहीं, स्किप नहीं हुआ है, सिर्फ भूमिका बनाई गई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत 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 बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्सियत को सुनने का जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय सुनील अम्बेकर जी को मंच पर दावत देते हैं कि वो आप आए और अपने विचार हमारे बीच में रखें, उसके बाद हम अपने पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन और पुरस्कार समारोह को आगे बढ़ाएंगे। सबको नमस्ते। आज के इस नारद जयंती समारोह और नारद पुरस्कार जो है उस कार्यक्रम में विशेष रूप में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान संजीव बालियान जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री आनंद नरसिंह जी, माननीय अशोक जी, यहाँ भी बहुत सारे पत्रकारिता के जगत के जिनको स्तंभ कहा जा सकता है ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं और बलवीर जी जैसे राजनीति में रहते हुए भी बहुत अच्छे नियमित स्तंभ लिखने वाले लोग हैं, तो सभी को बहुत बहुत सभी भाई बहनों को नमस्कार और सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आनंद जी और संजीव जी दोनों बोल रहे थे, दोनों ये बार बार बोल रहे थे कि हम ज़्यादा अच्छे वक्ता है नहीं पता नहीं बोल रहे, लेकिन आप समझ ही रहे थे कि अनुभव के साथ काफ़ी सारे जब बातें निकलती हैं तो निश्चित रूप से वो सीधी मतलब स्ट्रेट होती है और समझ में भी बहुत जल्दी आती है। तो निश्चित रूप से यहाँ सब पत्रकार हैं, रोज़ ही होने वाली पल पल की खबर जिसको बोलते हैं उस पर सबकी नज़र होती है और उसका विश्लेषण भी सब लोग करते रहते हैं, और इसलिए क्या घटित हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, बाहर की खबर अंदर की खबर, इसको बहुत अच्छे से रखने वाले सब लोग यहाँ पर हैं। स्वाभाविक ही व्यस्त भी रहते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में
समय निकाल कर आना भी मुश्किल है। वैसे पत्रकारों के कार्यक्रम कम ही होते हैं, मतलब पत्रकार जिन कार्यक्रमों में जाते हैं वैसे बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि ऐसा है कि जहाँ सब पत्रकारों के लिए आयोजित है, पत्रकारों द्वारा ही है, आयोजन में भी वो सारे लोग हैं और सम्मान भी पत्रकारों का ही है, तो ये मुझे लगता है कि एक विशेष आयोजन है और आप सब लोग भी उसी आत्मीयता के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इसलिए आपका हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन। नारद जी के बारे में देवश्री नारद कहते हैं, मैं बहुत गहरा अध्ययन करने वाला नहीं हूं इस विषयों का, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी प्रोफेशन हैं वो प्रोफेशन परंपरा से जब प्रारंभ हुए तब से उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो उसमें जैसे प्रोफेशनल स्किल पर बल दिया गया, उसके ज्ञान नॉलेज के बारे में बहुत जोर दिया गया, लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात पर भी जोर दिया गया कि जिसके पास ये सारा रहेगा उसके पास एक ऐसा चरित्र, उसके जीवन की ऐसी एक सात्विकता शैली भी रहनी चाहिए। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वैद्य हो, डॉक्टर हो, या राजा हो, या राजा के यहां किसी भी प्रकार का काम करने वाला हो, समाज में किसी भी तरह से जिसके पास कोई ना कोई दायित्व है, कोई ना कोई विशेष विद्या उसके पास है, तो उसको इस बात की जिम्मेदारी भी साथ में जोड़ी गई और उसको उतना ही महत्व दिया गया। मुझे लगता है कि यही कारण था कि किसी भी बात का, अगर कोई भी विद्या हो, जैसे बोलते हैं कि जो विद्या का दान है वो सत्पात्र ही होना चाहिए, मतलब जिसको आप विद्या दे रहे वो व्यक्ति उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब बौद्धिक क्षमता केवल नहीं, उससे जो शक्ति उसके पास आएगी उसका उचित लोक हित में वो प्रयोग कर सके, वैसा उसका चरित्र हो, उसको सत्पात्र कहा गया और वो बहुत आवश्यक है। आप लोग विश्वास करते कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन सांप का विष उतारना, ये इसके भी कई सारे प्रयोग, बड़ी अलग अलग जड़ी बूटियां जो होती है और उनसे, क्योंकि सांप तो नया नहीं है, बहुत पुराना है, डंक भी पुराना है, तो उसके भी उपाय बहुत पुराने हैं। तो हमारे जानकार थे, तो हमारे, मैं तो महाराष्ट्र के जिले का हूँ, तो गढ़चिरौली जिला है, बहुत बड़ा जंगल है, उधर काफ़ी लोग रहते हैं, मैं काफ़ी अंदर तक गया हूँ, तो वहाँ एक व्यक्ति से मिलना हुआ जिनको ऐसी जड़ी बूटियाँ पता थी कि वो बहुत सारे ऐसे उपाय करते थे और उसमें सांप की भी दवा उनको आती थी, मतलब वो नहीं ऐसा ऐसा करके उनको दवा आती थी मतलब। तो उनसे हमने पूछा कि आपकी उम्र हो रही है तो आप किसी को सिखा दो, आपने किसी को सिखाया नहीं अभी तक, तो कहा मैं तो सिखाना चाहता हूँ लेकिन मैं ये, मुझे मेरे गुरु ने ये बताया था कि भाई उसको सिखाना जो इसका दुरुपयोग न करे और लोगों की सेवा के लिए ही उसका उपयोग करे। अब वो व्यक्ति आज की हमारी भाषा में अनपढ़ था, किसी स्कूल में नहीं गया था, आज के किसी कॉलेज में नहीं गया था, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो बिल्कुल नहीं गया था, और वो बिल्कुल एक गाँव का व्यक्ति था और उसके पास एक ज्ञान था कि वो पेड़ देखकर बोल सकता था कि इससे कौन सी औषधि बनेगी, इससे क्या उपाय होगा। तो बाद में बहुत दिन के बाद
मुझे ध्यान में आया कि उनका एक कोई शिष्य दो बन गए हैं और वो बहुत ही उनको सबसे पहली शिक्षा वो ये दे रहे हैं कि उनका जीवन सच्चरित्र बन जाए। तो मैंने तो उसके बाद उनको वो विज्ञान जो है उनका जो ज्ञान है वो उसको देंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है समय के साथ। तो नारद जी का जो महत्व है पत्रकारिता के जीवन में और उनका जो स्थान है, उनका जो प्रतीकात्मक हमारे सामने जीवन चरित्र है, उसका महत्व यही है कि हम नई नई कुशलताएं, नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे नए प्रयोग सीखते चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक बात महत्वपूर्ण अंडरलाइन रहे कि इसका उपयोग लोक हित में होना चाहिए। और इसी का प्रतीक देवर्षि नारद है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि बात अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई और सोशल मीडिया का बहुत सारा उल्लेख हो गया, तो टेक्नोलॉजी अभी तो और आगे बढ़ेगी, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। हम अच्छा लगे हमें बुरा लगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मेटा आ गया, अभी तो ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, और आप उसमें तो रुकिए मत, उससे आगे भी है, उससे आगे भी कमांड्स आएगी, बहुत सारी कमांड्स आएगी। और इसलिए ये बात रुकने वाली नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी से डरने की भी बात नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा शॉकिंग रहता है। जब पहली बार किसी ने प्रिंटेड चित्र बनाया होगा तो शॉक लगा होगा, पहली बार मोशन पिक्चर बनी होगी तो लोगों को लगा पता नहीं बच्चे क्या देखने जा रहे हैं, शॉक हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा बाद में। जब पहली बार रेडियो चला होगा, मशीन से आवाज़ आने लगी तो शॉक हुआ होगा। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी के शॉक्स तो पुराने ज़माने से ही लगते रहे, और इसीलिए आने के आगे भी ऐसा होगा। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि हम कौन सी बातों को स्थायी रूप में इसमें पक्का रखेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि सत्य को लेकर जाना, सत्य के साथ कोई समझौता न हो। बिल्कुल जैसे आजकल कहते कि जैसे कोई कलाकार हो, कोई विद्वान हो, कोई शोधकर्ता हो, कोई पत्रकार हो, तो उसकी क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। कोई फिल्मकार हो, कोई गाना लिखने वाला कवि हो, गीत लिखने वाला कवि हो, गायक हो, हर एक की अपनी क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये बात महत्वपूर्ण होगी कि आपके निश्चित रूप से उस फ्रीडम के साथ साथ बात सत्य बात लोगों के पास जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय में ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे समाचार तो आ जाते हैं, बहुत सारी, मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि आपने कितने समाचार बनाए, तो बोलते एजेंसी लोग बोलते हैं हमने 800 समाचार बनाए। कई बार डिजिटल पोर्टल वालों को पूछते हैं वो 800 समाचार एक एक दिन में क्रिएट कर देते हैं, तो बहुत सारे समाचार होते हैं। और इसलिए ये बात मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस बात को प्रायोरिटी में लोगों के पास पहुँचाना चाहते हैं, किस सत्य को लोगों के पास पहुँचाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लोक हित उसमें बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मतलब निश्चित रूप से आपका क्रिएटिव फ्रीडम है, लेकिन लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हमारे देश में उस तो एक जिम्मेदारी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कहूँगा कि पूरे समाज की ये अपेक्षा है हर प्रोफेशन के लोगों से, और पत्रकारिता का प्रोफेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली इट कैप्चर्स द माइंड, हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस उससे प्रभावित होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, ये आज बहुत समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
देवश्री नारद भी सब जगह जाते थे, सब जगह समाचार इधर से उधर देते थे, संवाद बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन संवाद उनके जीवन में बहुत सारे कार्य हैं। अगर देव और सुरों में अगर कोई विवाद हो रहा है तो इधर से उधर समाचार पहुंचाते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालने का भी उसमें प्रयास है। मतलब तो मुझे लगता है यहां जिम्मेदारी समाप्त तो नहीं हो जाती थी, लोकतंत्र चल रहा है जैसा आया वैसे हमने बता दिया, नहीं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र मजबूत कैसा हो, लोगों की लोग कैसे अधिक जागरूक हो ताकि उससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, इसमें भी मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं और खासकर जो नेतृत्व में, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की भी बात है। निश्चित रूप से कभी कई लोग बार लोग बोलते हैं कि निगेटिव समाचार आ गए तो अस्वस्थ भी होते हैं बहुत सारे लोग। मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक ही है, जब तक गलत बात, जो निगेटिव बात है या गलत बात है, वो फ्रंट पेज पे आ रही है या ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है, मतलब दुनिया ठीक चल रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अपवाद है, एक्सेप्शन है, उस वो शॉकिंग है, क्योंकि नॉर्मली वो वैसा नहीं है समाज। तो मतलब जब खराब चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है या फ्रंट पेज पे आती है तो मैं थोड़ा आश्वस्त होता हूँ कि अभी भी मतलब बाकी ज़माना ठीक चल रहा है। मैं ऐसे सोचता हूँ, सही गलत आप सोच सकते हैं। और इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम सही बात को, सही बात को, सही है केवल सत्य मैंने पहुंचा दिया जैसा है वैसा नहीं, मुझे लगता है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल भी इम्पॉर्टेंट है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज के समय में देवश्री नारद जी को स्मरण करते हुए हम इन सब बातों को सोचना बहुत जरूरी है। हमारा देश स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव, और जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन में भाग लिया, नेतृत्व किया, उन सब का स्मरण भी हम लोग कर रहे हैं कि उन लोगों के हमारे ऊपर इतने उपकार है, उनके बिना हम अपने आज के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें यह बात भी महत्वपूर्ण है कि उस समय जितने भी हमारे देश का स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे, उन्होंने एक पवित्र माध्यम के रूप में पत्रकारिता का, समाचार माध्यमों का उपयोग किया। लगभग हर एक कोई लिख रहे थे समाचार पत्रों में, आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन पूरे स्वाधीनता आंदोलन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे लोक जागरण का माध्यम ही ये सारे समाचार माध्यमों को बनाया था। और उनके विचार जिन लेखों के द्वारा, जिन समाचार माध्यमों से जा रहे थे, उसने पूरे देश को एकत्रित किया स्वाधीनता आंदोलन के लिए। और इसलिए पत्रकारिता की जो हमारे देश की परंपरा है, वो परंपरा भी देश के स्वाधीनता सेनानियों ने बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत की है। और इसलिए एक तरीके से वो लीजेंड्स है हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र के, कि जिन्होंने पूरे देश दुनिया में, जब ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने इन माध्यमों को बहुत परिश्रम पूर्वक उपयोग करते हुए पूरा एक स्वाधीनता का आंदोलन को चेताया। आज मुझे लगता है कि आज उस जैसे स्वाधीनता के आंदोलन में एक बहुत ही पवित्रता से और जिम्मेदारी से इस क्षेत्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज भी जब देश स्वाधीनता के अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में, जनमानस में एक आंदोलन है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है। एक समय था कि लोगों को बताना पड़ रहा था कि आप जाके अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मुझे लगता है कि आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ गया कि एक बहुत बड़ी क्रांति है, इसमें अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए। एक समय था देश में कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों को बहुत कुछ बताना पड़ता था। आज मुझे लगता है, आज ही मैं आते आते सुन रहा था, शायद 194 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे देश में हो गए। दुनिया के बहुत देशों में ऐसा माहौल नहीं है। तो देश के हर व्यक्ति दुनिया में एक आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, बहुत साइंटिफिक तरीके से,
बहुत बड़े परिश्रम के साथ आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जब ऐसा माहौल देश में है, एक आकांक्षा है, एक एस्पिरेशन है लोगों के मन में, जहां लोग सोचते थे कि हमारा देश पता नहीं कहां जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत निराशा से सोचते थे, आज पूरा एक वातावरण में बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10-12 वर्षों से लगातार। मतलब मैं मानता हूं कि लगभग ये जो मिलेनियम शुरू हुआ है, मतलब 98 के बाद, ये लगातार ये वातावरण बढ़ता ही चला गया है, और इसके अनुकूल जो बात होती है वो लोगों को अच्छी लगती है, इसके प्रतिकूल जो बात करता है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो चाहे राजनेता की हो, वो चाहे फिल्म की हो, चाहे पत्रकारिता की हो, किसी भी जगत की हो, ये लोगों का जो मानस है, मुझे लगता है कि इस समय इस तरह से लोगों को इस जन आंदोलन में एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका को पत्रकारिता के पूरे जगत को निभाना है, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया जगत के लोगों ने उस दिशा को पकड़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे सकारात्मक काम कर रहे हैं, और बहुत सारे व्यक्तिगत रूप में भी कर रहे हैं, मीडिया जगत के रूप में भी लोग कर रहे हैं, और एक सहभागिता भी बढ़ी है। आज ठीक है, जब भी कोई नई बात आती है तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जैसे बोलते हैं उसको स्टार्टअप का प्रॉब्लम है ये, तो ये स्टार्टअप प्रॉब्लम सोशल मीडिया में चल रहा है अभी, लेकिन ये मुझे लगता है ये भी सेटल हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें भी धीरे धीरे लोग बोलते थे कि बस ऐसा ही चलता है, नहीं, अब बहुत गंभीर रूप से अच्छे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी जा रही, बहुत इन्फॉर्मेटिव उसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोग अच्छे काम के लिए भी कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इसमें उस जिम्मेदारी के साथ आवश्यकता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अपना देश जो है वो बहुत पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है इसका, और मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी बात समझ भी नहीं सकता है, और बीच के समय में बहुत सारे मिसइंटरप्रिटेशन भी हुए हैं, एक लंबा समय संघर्ष का भी हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम लोगों को पुराने बातों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए, लेकिन दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी स्वाधीनता आंदोलन में नेता थे, जितने भी विचार थे, सबने अपना अपना योगदान निश्चित रूप से दिया है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि आज 75 वर्ष के बाद हमें समीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी बातों को आगे ले जाना है और कौन सी बातों को अब हमें छोड़ देना है। इसमें कोई कृतज्ञता नहीं है कि हम किस बातों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय भी बदलता है, और इसलिए आने वाले समय के लिए एक हमारे देश की एकता, एकात्मता, अखंडता, जिसका आधार हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिनको स्पष्टता से रखा नहीं गया, प्रामाणिकता से रखा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनका उचित जो हमें सम्मान देना चाहिए था, जिनका देश के लिए योगदान था, वो भी हम नहीं दे पाए। तो ऐसे बोलते ना कि जो रह गया, तो जब कोई घर में उत्सव होता है तो हम पुराने सब उन विषयों को याद करते कि भाई हमसे जो भी रह गया अब हम याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रह गया वो रह गया, लेकिन अब उसको कम से कम याद कर ले, वो सारे लोगों को याद कर ले जिन्होंने देश के लिए ज्ञान निर्माण किया, वो भाषाओं का ऐसा ज्ञान निर्माण किया कि जिससे सारी भाषाएं जुड़ गई, उनको याद करना चाहिए, जिन्होंने योग से लेकर बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए उनको याद करना चाहिए, स्वाधीनता के वो लोगों को याद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम उन सब लोगों को जोड़े और भारत की उस कल्पना को समझें। ये बात ठीक है कि भारत में सब मिलता जाता है, एक के बाद एक सब मिलते चाहिए, गंगा जमुना संस्कृति बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में एक होना चाहिए, गंगा बन जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हम लोग सब एक साथ मिलकर चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक लोक प्रबोधन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सब लोगों पर है,
और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। इतिहास के तथ्य आएंगे, ठीक है, हम लोगों को अभी तो अभी जैसे ज्ञानव्यापी का विषय चल रहा है उसमें तथ्य आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्यों को आने देना चाहिए सामने, कि वैसे भी तथ्य जो होते हैं वो सत्य जो होता है वो अपनी राह तो खोजता ही है। आप कितने दिन तक किसी चीज को दबा के रख सकते हैं? तो समाज को मुझे लगता है अब ये समय है कि हम सबको कुछ तथ्यों को, ऐसे सारे तथ्यों को, इतिहास के तथ्यों को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने का, समझने का और पूरे समाज के सामने उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखने का समय है। और इस समय पूरा जमाना देख रहा है, आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी कि जब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव हो रहा था तो एक समय था कि स्वाधीनता के आंदोलन के समय उन लोगों ने वो भूमिका निभाई। अब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के अवसर पर, मतलब ये छोटी बात नहीं है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर ही हम इस मुकाम पर आ गए कि हम दुनिया में अब एक स्थान बना पा रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास की दृष्टि से कम पीरियड है, जितना पुराना पिछला एक हमारा विपरीत समय रहा उस तुलना में अगर देखते हैं तो, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इस विचार के साथ उस जिम्मेदारी को हम अब कैसा निभाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय फिर मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र के जितने लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी सोशल मीडिया, ये कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंट मीडिया लीड करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक करेगा कि सोशल मीडिया करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो वरिष्ठ पत्रकार अध्ययन के साथ, एक अभ्यास और अनुभव के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, उनको इस बहस को लीड करने की, नेतृत्व देने की जिम्मेदारी है और उनको इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। उनको इस जिम्मेदारी को लेना भी होगा और उसको निभाना भी होगा, यही अपेक्षा मैं करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको शुभकामना देता हूँ, आज जिनका सम्मान हो रहा है उन सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत सारे पत्रकारों ने कोरोना योद्धा के रूप में ही काम किया और इसीलिए, और मैं ये यहाँ नोट करना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता की सारे लोगों ने, और इसलिए हमें जानकारियाँ मिल रही थी लेकिन भय से हम जल्दी मुक्त हो ऐसा भी अनुभव में आ रहा था, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही समाज में, समदेश के सामने जब भी कोई विषय आएंगे तो ये मुझे विश्वास है कि आप सब लोग वैसी ही जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुनः एक बार सबको शुभकामना बधाई। आदरणीय सुनील अंबेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्तव्य जो है वो केवल पत्रकार बिरादरी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना दिखाने वाले होने के साथ साथ रास्ता दिखाने वाला भी है, और आपका व्यक्तित्व वैसे ही हमारे पथ को आलोकित करता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधे हम उस क्रम की ओर बढ़ते हैं, उस गतिविधि की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पत्रकारों के सम्मान के क्रम में मैं सबसे पहला नाम पुकारूंगा वो है आशुतोष कुमार पांडे जी का, लेकिन वो हम तक पहुँचे उससे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। आशुतोष कुमार पांडे मूलतः उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रहने वाले हैं। आपने वर्ष 2012 से 14 के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म यानी MJ किया। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र जयपुर से प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत की और यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया। 2016 में ETV चंडीगढ़ में बतौर संवाददाता आप जुड़े, बाद में दूरदर्शन किसान में काम किया और बीते लगभग 5 वर्षों से हिंदुस्तान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी के राष्ट्रीय ब्यूरो में संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। नदियों से आपका विशेष अनुराग है और कई वर्षों से आप मनोरमा नदी बचाओ अभियान चला रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने युवा पत्रकार नारद सम्मान इस वर्ष अर्जित किया।
लाइट्स का कृपया ध्यान रखें, बीच में आप ऑफ ना करें। जी तब तक आपको बैठना पड़ेगा, वैसे थोड़ा परिचय है इसलिए। अगला नाम स्त्री सरोकार पत्रकार नारद सम्मान के लिए पुकारना चाहता हूँ, निशांत कुमार आजाद जी का। निशांत कुमार आजाद वर्क्स एज अ करस्पॉन्डेंट इन द ऑर्गेनाइजर व्हिच इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड नेशनलिस्ट इंग्लिश वीकली ऑफ भारत। An ambulatory reporter, he predominantly writes about political issues with a particular underscoring on state politics in Jammu and Kashmir and West Bengal. He is noted for his work as Polestar and for being the sole journalist in India who went on the ground to cover the post-election violence in West Bengal and met the rape victims. His stories from Kashmir and triple talaq victims and rape victims from West Bengal especially claimed the attention on the issues. इस कड़ी में तीसरा पुरस्कार जो है ग्रामीण पत्रकारिता नारद सम्मान, वो जाता है उमाशंकर मिश्र जी को। उमाशंकर जी पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं। आपने मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर लेखन और संपादन कार्य किया है। आप अमर उजाला, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी और ग्रामीण विकास पर केंद्रित पत्रकारिता सोपान स्टेप में नियमित रूप से जुड़े रहे हैं। उमाशंकर मिश्र वर्तमान में विज्ञान समाचार एवं फीचर सिंडिकेट साइंस वायर में, इंडिया साइंस वायर में कार्यरत हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ कृषि शोध पर समान रूप से लेखन, संपादन और अनुवाद कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से आपको चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रदान किया गया है। न्यूज रूम सहयोग नारद सम्मान के लिए इस वर्ष के विजेता हैं श्री सुरेश कुमार जायसवाल। सुरेश जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर के रहने वाले हैं, 20 साल से पत्रकारिता में हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान IIMC से रेडियो और टीवी में आपने बारीकियां सीखी हैं और उसके बाद आपने अपने करियर की शुरुआत PTI से की। इसके बाद 9 साल तक आज तक समूह में बतौर प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दी। 2013 से ये देश के सार्वजनिक प्रसारक DD न्यूज में संपादक के तौर पर काम कर रहे हैं और प्राइम टाइम बुलेटिन न्यूज लाइव के संपादक हैं। आपने इस प्रोग्राम को DD न्यूज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम के शानदार संपादन को देखते हुए प्रसार भारती ने 2018 में आपको सर्वश्रेष्ठ संपादक के सम्मान से नवाजा। डेस्क और रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ सुरेश जायसवाल राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की गहरी पकड़ रखते हैं। एंड नाउ डिजिटल पत्रकारिता नारा सम्मान के लिए मैं पुकारना चाहूंगा श्रीमती नुपुर जय शर्मा। नुपुर जय शर्मा इज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम सिम्बायोसिस। आफ्टर रनिंग हर बिजनेस फॉर ईयर्स शी डिसाइडेड टू लीव दैट बिहाइंड एंड शी हैज बीन द एडिटर इन चीफ ऑफ ऑप इंडिया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स एंड हर प्राइम फोकस इज डॉक्यूमेंटिंग प्रिकॉशन अगेंस्ट हिंदू। सोशल मीडिया पत्रकारिता नारद सम्मान के इस वर्ष की विजेता हैं श्रीमती प्रियंका देव। प्रियंका देव जैन कैरीज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। शी हैज वर्क्ड ऑन द बराक ओबामा प्रेजिडेंशियल कैंपेन एंड मूव टू इंडिया टू वर्क इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन। शी बिगन अ यूट्यूब चैनल टू कवर पॉजिटिव डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया। Priyanka was one of the first YouTubers and digital journalists to travel to Kashmir after the abrogation of Article 370 and has even reported on ground from Amethi. Priyanka Chaturvedi works as a senior chief manager at Times. Priyanka Dev. I am really sorry.
Priyanka currently works in a senior role as chief manager at Times Group. उत्कृष्ट छायाकार छायाचित्रकार प्रेम नारद सम्मान श्री मिहिर सिंह। मिहिर सिंह जी के विषय में बता दूं आपको कि मिहिर सिंह जी ने 2006 में फोटो जर्नलिज्म को अपने करियर के रूप में चुना। शुरुआती दौर में यूनिसेफ सहित कई एनजीओ के लिए आपने फ्रीलांस काम किया। उसके बाद 2008 में पंजाब केसरी अखबार को बतौर जूनियर फोटोग्राफर ज्वाइन किया। तभी से सिलसिला जारी है। आपने बड़ी लगन और मेहनत से काम किया है और आप पंजाब केसरी अखबार में चीफ फोटोग्राफर बने हैं। पंजाब केसरी में रहते हुए इन्हें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार के फोटो डिवीजन का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 8 ऐसे अवार्ड हासिल किए हैं जो विभिन्न सरकारी एजेंसी द्वारा इन्हें दिए गए हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने ऐसी तस्वीरें खींची जो हृदय विदारक होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाली भी हैं। उत्कृष्ट छायाचित्रकार टीवी नारद सम्मान दिया जाता है इस वर्ष श्री विद्यानाथ झा जी को। विद्यानाथ जी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। बड़े भाई ऋषभ झा भी पत्रकार थे जो बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर अनंत लोक में चले गए। विद्यानाथ झा जी ने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम 2007 में रखा। आप वर्तमान में न्यूज नेशन चैनल में कार्यरत हैं। आपने अपनी टीवी पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज से की। इसके बाद न्यूज 24 फिर जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित चैनलों में काम किया। आपको टीवी पत्रकारिता का 1.5 दशक का लंबा अनुभव है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी एवं फ्रांस यात्रा की कवरेज के साथ आप उनके साथ गए और वर्तमान में आप यूक्रेन में युद्ध की रिपोर्टिंग के लिए भी गए थे। विद्यानाथ झा जी की अनुपस्थिति में उनके बड़े भाई अमरनाथ झा जी ने ये सम्मान प्राप्त किया है। हम बहुत जोरदार तालियों के साथ साथ आपका भी अभिनंदन करते हैं। अगला पुरस्कार है उत्कृष्ट स्तंभकार नारद सम्मान जो इस वर्ष दिया जाता है श्री उमेश चतुर्वेदी जी को। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले सतीश चंद्र कॉलेज से हिंदी में एमए के बाद आपने भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। आप गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार में पढ़ाई कर चुके हैं। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जी न्यूज, इंडिया टीवी, लाइव इंडिया, सकाल और महुआ में आपने काम किया। अभी आप प्रसार भारती के कंसल्टेंट हैं। हिंदी के सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में धुआंधार लेखन, हजारों आलेख और टिप्पणी आपकी प्रकाशित हुई हैं। बाजारवाद के दौर में मीडिया ये पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। हिंदी की समस्याओं, पत्रकारिता और समकालीन राजनीति में विशेष दिलचस्पी है और कई विश्वविद्यालयों के लिए आपने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम लेखन किया है। उत्कृष्ट विदेशी पत्रकारिता नारद सम्मान की श्रेणी में इस वर्ष के विजेता हैं श्री पीएम नारायणन। पीएम नारायणन इज अ टेलीविजन जर्नलिस्ट विद 25 ईयर्स ऑफ न्यूज प्रोडक्शन एंड रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ही कवर्स न्यूज एंड फीचर स्टोरीज फ्रॉम साउथ एशिया रीजन फॉर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर। ही हैज ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन द रीजन फ्रॉम अफगानिस्तान टू भूटान कवरिंग अफगानिस्तान्स वॉर ऑन टेरर, श्रीलंका वॉर ऑन लेटे, बांग्लादेश रोहिंग्या क्राइसिस, नेपाल अर्थक्वेक। He started his career in 1995 with India's first English news channel, the BITV. He is also a Google accredited fact checker. Thank you, PM Narayanan ji. और उत्कृष्ट पत्रकारिता नारद सम्मान इस वर्ष दिया जाता है श्री दीपक उपाध्याय को। दीपक जी हमेशा से सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई है। कई आंदोलनों में वहां आप जेल तक भी गए हैं। सामाजिक सरोकारों को देखते हुए पत्रकारिता को आपने चुना। 2002 में अमर उजाला चंडीगढ़ से अपनी पत्रकारिता शुरू की।
बाद में दिल्ली में राजस्थान पत्रिका में काम शुरू किया, राजस्थान के पानी के मुद्दों पर जमकर लिखा। इसके बाद टीवी पत्रकारिता में चले गए और इसी बिजनेस में रहते हुए आर्थिक सामाजिक मामलों को पत्रकारिता के जरिए सरकार तक पहुंचाया। देश में बच्चों की स्थिति और विदेशी फंड के दुरुपयोग को देखते हुए आपने बच्चों के मामलों को करीब से देखा। बच्चों के ई वेस्ट में संलिप्तता को देखते हुए आपने एक खोजी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और हाल ही में बच्चों की दुर्दशा पर आपने एक पुस्तक पिंजरा द केज भी लिखी है। और अब एक ऐसा नाम जिसका नाम ही पहचान है, उन्हें हम आजीवन सेवा नारा सम्मान देना चाहते हैं और वो नाम है श्री बलबीर पुंज। बलबीर जी समाचार पत्रों के अधिकांश पाठक उनके नाम से परिचित हैं। विगत 2.5 दशकों से अधिक समय से श्री पुंज निर्भीकता के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक जीवन मूल्यों, आर्थिक और तथ्यपरक ऐतिहासिक घटनाओं पर संबंधित विषयों पर देश के कई महत्वपूर्ण हिंदी अंग्रेजी अखबारों पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन करते हैं। अपने कई प्रभावी मंचों पर बतौर व्याख्याता अपने निष्पक्ष विचारों से विशेष पहचान भी बनाई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री पुंज ने वर्ष 1971 में राष्ट्रवादी अंग्रेजी समाचार पत्र द मदरलैंड से पदार्पण किया। उस समय अधिकतर अंग्रेजी दैनिकों पर वामपंथियों का खासा प्रभाव था। वर्ष 1974 से 1996 के बीच श्री पुंज द इंडियन एक्सप्रेस समूह से जुड़े और वहाँ एक कुशल पत्रकार के रूप में कार्य किया। वर्ष 2000 में तत्कालीन भारत सरकार ने श्री पुंज को भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। कालांतर में उन्हें राष्ट्रीय युवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री दर्जे के समकक्ष था। प्रख्यात समकालीन विचारक और चिंतक श्री बलबीर पुंज ने वर्ष 2000 से 2006 तक उत्तर प्रदेश और 2008 से 2014 तक ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाजपा संगठन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। और कार्यक्रम अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री अशोक सचदेवा जी को आमंत्रित करता हूँ। बलबीर जी, आपको मंच पर निवेदन किया, दो शब्द हमारे बीच में। आदरणीय सुनील जी, नरसिम्हन जी और मित्रों, मैं बोलने की तैयारी से नहीं आया था, आयोजकों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप पुरस्कार लीजिए, चेक लीजिए और मुंह बंद रखिए। मैं जूरी का और इस संस्थान का बहुत आभारी हूँ, अपने आप को सम्मानित अनुभव करता हूँ और मानता हूँ कि ये सम्मान मेरा कोई निजी सम्मान नहीं है, ये सम्मान उस परंपरा का है जो सनातन है देश में। हजार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सीताराम गोयल जी, अरुण शौरी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तो वहां बैठे हैं, मेरे जैसे लोग तो रिटेलर हैं, हर हफ्ते बाजार की मांग को देखते हैं, विषय को उसके साथ जोड़ते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं। तो रिटेल से ही खरीदते हैं। और
ये नारद पुरस्कार की कल्पना मान्य सुदर्शन जी ने की थी, मेरा उनसे बहुत स्नेह था, बहुत अच्छा परिचय था उनके साथ। और जब ये बात चल रही थी तो उनसे एक बार चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा देखो नारद का जो चरित्र है ना वो पत्रकारों के साथ बिल्कुल सही बैठता है। मैंने कहा वो कैसे? कहा उन्होंने कथा सुनाई तो मेरे को शायद अभी पूरी तरह ना याद हो, अशुद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा पत्रकारों को कई बार गलतफहमी हो जाती है कि वो देश को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। और मैंने देखा कि प्रेस क्लब के अंदर कई बार एक आध लगाने के बाद लोग कहते भी हैं कि आज तो होम मिनिस्टर को मैंने हड़का दिया बिल्कुल, और ये हो सकता है कि होम मिनिस्टर ने वो खबर देखी ही नहीं हो। तो कहा कि नारद को भी एक बार लगा कि उनको सुंदर स्त्री से शादी करनी चाहिए और वो विष्णु से हरि का रूप मांग के लाए और बंदर का चेहरा हो गया, और वो फिर बाद में देखा। वो सब कथा शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो हम पत्रकारों को भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि हम देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। हमारा तो केवल ले दे के इतनी भूमिका हो सकती है कि हम प्रत्यक्ष दर्शी हैं और हमारा धर्म ये है कि जो देखें श्रवण करें उसको सही तरीके से रिपोर्ट करें। फैक्ट शुड बी सीक्रेट, कमेंट इज फ्री, अपनी टिप्पणी करें, इतना ही। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो आज का मूल वाक्य यही है कि कुछ भी पालें गलत फहमी ना पालें, इसका विशेष ध्यान रखें। और चूंकि बलवीर जी यहीं पे हैं तो मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और बहनों को यहाँ मंच के सामने ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन के ओर खींचेंगे। जी, ग्रुप फोटो के लिए सभी अवार्डीज। और अब मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री अशोक सचदेवा जी को आमंत्रित करता हूं। अशोक जी, नमस्कार। मुझे लगता है आप सब जाने की तैयारी में हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चाय का प्रबंध है, चाय के बगैर कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद। नारद पत्रकार सम्मान समारोह 2022 की शोभा यात्रा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय श्री सुनील आंबेकर जी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत नरसिंह जी
जीवन सेवादार सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार श्री बलबीर कुंज जी, कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के सचिव श्री सुमित गुंडेजा जी, दिल्ली प्रांत प्रचार प्रमुख श्री रितेश अग्रवाल जी, नारद सम्मान के आदरणीय जूरी के सदस्य, नारद सम्मान से सम्मानित सभी पत्रकार एवं आए हुए मीडिया बंधु भागिनी तथा गणमान्य अतिथियों का देव ऋषि नारद जयंती व पत्रकार सम्मान समूह में सम्मिलित होने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी के सहयोग से इंद्रप्रस्थ विश्व सम्मान केंद्र द्वारा इस नारद जयंती पर आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह के सफल आयोजन से निश्चित ही समाज में आदर्श पत्रकारिता का सकारात्मक संदेश जाएगा। आशा है कि विश्व में भी आप इसी तरह इंद्रप्रस्थ विश्व सम्मान केंद्र का सहयोग करते रहेंगे। कार्यक्रम की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई दिनों से परिश्रम कर रहे इंद्रप्रस्थ विश्व सम्मान केंद्र के व्यवस्था से जुड़े सभी बंधु और बहनें विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। इस क्लब के प्रबंधक का भी मैं इंद्रप्रस्थ सम्मान केंद्र की ओर से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर स्थान नारद जयंती के लिए उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में आए सभी बंधुओं को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और चाय के लिए निमंत्रण करता हूँ। धन्यवाद। चाय के साथ नाश्ता भी है, लेकिन उससे पहले आपको वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर रहना होगा। कृपया सभागार में थोड़ी शांति रखें और हम वंदे मातरम से कार्यक्रम का समापन करेंगे। वंदे मातरम के लिए संस्कृत भारती के कार्यकर्ता वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम् वं हि दुर्गा दश प्रह